अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया के आउटलाइन को हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 1947 टू 1999। सो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 अंटिल 99 हैज बीन शेप्ड बाय वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स। द कंट्री हैज नेविगेटेड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज, मेजर वर्ल्ड पावर्स एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी 1947 में आज़ादी के बाद से 1999 तक मुख्तलिफ दाखिली तौर पर भी और बैन अक्वामी फैक्टर से मुतासर रही है। सो इस अरसे में पाकिस्तान ने पड़ोसी ममालिक, बड़ी आलमी ताकतों और इलाकई तंजीमों के साथ बहुत ज़्यादा पेचीदा तल्लुकात को संभाला। सो 1947 से 1999 के दौरान पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के क्या अहम नुकात रहे? खारजा पॉलिसी के इब्तदाई सालों में 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान को आलमी ताल्लुकात कायम करने में किन फौरी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा एंड वी विल डिस्कस। पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई सालों में मगरबी ताकतों, खासतौर पर अमेरिका के साथ इतिहाद की कोशिश क्यों की और पाकिस्तान के 1954 में SEOTO में शामिल होने के मकसद क्या थे और 1955 में बगदाद वायदा सेंटो में शमूलियत ने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के ऊपर क्या असर डाले। So early years of the foreign policy 1947 to 1958, establishing relationships immediate challenges upon gaining independence in 1947. So Pakistan ke jo talukat ka qiyam hua usme jo fauri challenges the 1947 mein azadi hasil karne ke baad, to Pakistan ko bahut sare challenges ka samna karna pada tha jinme Bharat ke sath Kashmir ka tanaza tha aur iske sath aalmi satah ke upar सफारती तलुकात कायम करने की ज़रूरत भी शामिल थी। सो मगरबी ताकतों के साथ जो इतिहाद है पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में और फौजी जो और इसके अलावा जो इक़्तिसादी मदद है वो हासिल करने के लिए मगरबी ताकतों, खासतौर पर अमेरिका के साथ तलुकात जो है वो मजबूत करने की कोशिश की। देन फार्मेशन ऑफ अलायंसेस और इतिहादियों का क्या अमल में आया, यानी जो जनूब मशरकी एशियाई मुआहदा जो तंजीम थी, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन SEATO, तो 1954 में पाकिस्तान SEATO में शामिल हुआ जो एक इजतमाई दिफाई मुआहदा था और इसका मकसद क्या था कि जनूब मशरकी एशिया में कम्युनिज्म के फैलाव को रोकना। सो बगदाद पैक्ट असेंट पाकिस्तान आल्सो जॉइन SEATO सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन इन 1955 फर्दर इट्स टाइज विद द वेस्ट। सो जो बगदाद मुआहदा था उसने पाकिस्तान ने 1955 में सेनेटो जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें शमूलियत इख्तियार की, जिससे मगरबी ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। सो सर्द जंग का दौर आया। सो इसमें हम देखेंगे कि सर्द जंग के दौरान अमरीकी फौजी और इकतसादी इमदाद ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कैसे मुतासर किया, कश्मीर तनाज़े ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और भारत के साथ फौजी तसादम पर कैसे असर डाला। सो USA मिल्ट्री एड, पाकिस्तान रिसीव्ड सिग्निफिकेंट मिल्ट्री एंड इकोनॉमिक एड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो विच स्ट्रेंथन इट्स मिल्ट्री कैपेबिलिटीज अगेंस्ट इंडिया। तो पाकिस्तान अमेरिका से पाकिस्तान ने फौजी इतिहाद बनाया, अमरीकी फौजी इमदाद हासिल की। सो इस दौरान पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से काफ़ी फौजी और इकतसादी इमदाद मिली थी, जिससे जो है भारत के यानी कि जो पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में उसकी फौजी जो सलाहियतें थी उनको मजबूत किया और कश्मीर का जो तनाज़ा था उसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का यानी कश्मीर का तनाज़ा अहम हिस्सा रहा, जिसकी वजह से 1965 में भारत के साथ फौजी महासाराई भी हुई। सो रिलेशंस विद चाइना, चाइना के साथ ताल्लुकात कैसे रहे, चाइना के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जो उतार चढ़ाव आया उसके साथ पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत किया और जिसका जो नुक्ता था अरूज वो 1963 के पाक चीन मुआहदे में हुआ था, जिसने सरहदी मसाइल को हल किया और स्ट्रेटजिक टाउन की भी बुनियाद रखी। देन मिलिट्री कोऑपरेशन, चाइना बिकेम अ की अले फॉर पाकिस्तान प्रोवाइडिंग मिलिट्री सपोर्ट एंड हेल्पिंग पाकिस्तान डिवेलप इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज। चाइना पाकिस्तान का अहम इतिहादी बन गया और इसने फौजी इमदाद भी फराहम की, जिससे पाकिस्तान की दफाई सलाहियतों में इजाफा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं 1971 वॉर, बंगाली लिबरेशन वार, बंगाली आज़ादी की जंग। तो मशरकी
पाकिस्तान में होने वाले दाखिली मसाइल और बहरान ने 1971 में भारत के साथ जंग को जन्म दिया और इस जंग के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। हाजिर तालुकात के ऊपर इसके काफी असरात रहे। मशरकी पाकिस्तान के नुकसान ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर काफी गहरा असर डाला। सो लीडिंग टू रीअसेसमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज एंड एनालिसिस और उसे अपनी हिकमत अमली और इत्तेहादों के ऊपर दोबारा गौर करने के ऊपर मजबूर किया। 1971 एरा में भुट्टो की खारजा पॉलिसी का अगर हम जायजा लें तो शिमला मुआहदा हुआ था। 1972 में जुल्फकार अली भुट्टो ने इंडिया के साथ शिमला मुआहदा किया और इसका मकसद क्या था कि ताल्लुकात को मामूल के ऊपर लाया जाए, जो कशीदगी है उसको ख़त्म किया जाए और मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाए। देन फोकस ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जौहरी प्रोग्राम के ऊपर भी तवज्जो दी गई जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में। तो भुट्टो ने भारत की जौहरी ख्वाहिशात के पेश नज़र जो कौमी सलामती थी उसको यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का आगाज किया। फिर हम देखते हैं कि ज़ियाउल हक दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसी रही। तो 1971 टू 1988 तक जो ज़ियाउल हक जिनका ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत रहा, तो इसमें जो खारजा पॉलिसी थी उसमें इस्लामी रंग नज़र आया। यानी जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लामी यकजहती के ऊपर जोर दिया और पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक के साथ करीब तर करने की कोशिश की और उम्मत के तस्वर को भी उन्होंने प्रमोट किया। देन अफगान वार, पाकिस्तान प्लेड अ पिवोटल रोल इन सोवियत अफगान वार 1979 टू 1989 सपोर्टिंग द अफगान मुजाहिदीन विद यूएस असिस्टेंस। दिस अलायंस स्ट्रेंथन पाकिस्तान पोजीशन इन द रीजन बट आल्सो लीड टू लॉन्ग टर्म चैलेंजेस इंक्लूडिंग द राइज ऑफ द एक्सट्रीमिज्म। पाकिस्तान ने सोवियत अफगान जंग में अहम किरदार अदा किया। अफगान मुजाहिदीन की अमरीकी मदद से हमायत की। इस इतिहाद ने पाकिस्तान की जो इलाकाई हसीयत है उसको मजबूत किया, लेकिन बड़ी मुद्दत तक जो कि जो चैलेंजेस थे जैसे शिदत पसंदी के अरूज का भी बायस बना। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ एरा में जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अवामिल रहे। तो बेनजीर भुट्टो ने अमेरिका, चाइना और इस्लामी ममालिक के साथ तालुकात में बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश की और साथ ही जो इलाकाई सलामती थी उसके मसाइल को भी मद्देनजर रखा गया। देन न्यूक्लियर पॉलिसी, नवाज शरीफ कंटिन्यू द फोकस ऑन न्यूक्लियर डेवलपमेंट लीडिंग टू पाकिस्तान कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 इन रिस्पॉन्स टू इंडिया टेस्ट। और नवाज शरीफ ने जौहरी तरक्की के ऊपर तवज्जो जारी रखी जिसका नतीजा 1998 में भारत के एटमी तजुर्बात के रद्द अमल में पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की सूरत में निकला। देन रीजनल डायनेमिक्स, सो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन कश्मीर रिलेशंस विद अफगानिस्तान एंड काउंटरिंग इंडियन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो इस अरसे में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ज़्यादा यानी कश्मीर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और खित्ते में जो भारत इन्फ्लुएंस था उसका यानी कि ज़्यादा जोर इस इन्फ्लुएंस को का मुकाबला करने के ऊपर रहा। मजमू तौर पर जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और इसके जो जुग्राफियाई महल वकू है, उसके तारीखी वाक़ात हैं और इसके अलावा कौमी मफादात है, इसको यकीनी बनाने की ज़रूरत से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुतासर रही और अमेरिका और इलाकाई इतिहादियों के साथ पेचीदा तलुकात ने इसकी खारजा पॉलिसी को बनाया जो आज भी जनूबी एशिया के मसाइल को समझने के लिए बहुत अहम है। सो हमने डिस्कस किया पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के जो इब्तदाई सालों को। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान को आलमी तलुकात कायम रखने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई साल में मगरबी ताकतों खासतौर पर जो अमेरिका के साथ इतिहाद इसकी भी कोशिशें की। उसके बाद हमने स्टडी किया सार्द जंग का दौर और सार्द जंग के दौरान अमरीकी फौजी और इक्तसादी इमदाद ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतासर किया और इसके अलावा कश्मीर तनाज़े ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और भारत के साथ जो फौजी तसादम है उसके ऊपर काफ़ी असर डाला। 1963 में पाक चाइना मुआहदा ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को भी मजबूत किया और इस दौर में चाइना ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को भी बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। सो 1971 की जंग और बांग्लादेश की क़याम ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर भी और बैन अक्वामी तालुकात को भी मुतासर किया, क्योंकि 1971 के जो जंग हुई थी इसमें पाकिस्तान के फौजी लिहाज से भी और पाकिस्तान का जो यानी गवर्नमेंट का इमेज था, पाकिस्तान का इमेज था, वो आलमी सतह के ऊपर काफ़ी ख़राब हुआ, क्योंकि
यानी कि जो एक ऑपरेशन किया गया था सैटेलाइट ऑपरेशन, तो इसमें एक वाशियाना किस्म के मजालिम किए गए थे और इस जंग के दौरान, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज का भी इमेज जो है वो आलमी सतह के ऊपर खराब हुआ था। तो इस तरह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर भी इस जंग ने बहुत नेगेटिव असर डाला था। उसके बाद हमने स्टडी किया कि 1971 के बाद का जो दौर था, यानी भुट्टो की खारजा पॉलिसी क्या रही 1972 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो शिमला मुहिदा हुआ था। तो इसके अलावा जुल्फ़ार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्रामों की तरक्की को क्यों तरजीह दी। देन हमने डिस्कस किया ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत, उनकी खारजा पॉलिसी क्या रही, यानी इस्लामी पॉलिसियों के हवाले से ज़्यादा उन्होंने खारजा पॉलिसी को इसमें जोड़ा और सोवियत अफगान में जंग में पाकिस्तान का किरदार था, इसमें इसने खिते की जोग्राफी सियासत को भी मुतासर किया। अफगान जंग में मुलव्वस होने की वजह से पाकिस्तान को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान जंग में अमेरिका का साथ दिया था और पाकिस्तान को भी दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ के दौर की जो हमने खारजा पॉलिसी का जायजा लिया, तो अमेरिका चीन और इस्लाम मालिक के साथ तालुकात का तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिशें की कि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में, नवाज शरीफ के 1998 में जो एटमी धमाके जो करने के पीछे जो यानी कि वजूहत थी कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाए और कश्मीर अफगानिस्तान के साथ जो तालुकात के अगर तनाजर में देखें, यानी कि रीजनल डायनामिक्स के जवाब में, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इससे किस तरह से तब्दील हुई थी। हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया 1947 से 1999 तक पाकिस्तान की सलामती जो थी और इलाकाई सालमियत थी, उसके हासिल की जस्तजू ने उसकी खारजा पॉलिसी को किस तरह से शेप दी। तो सार्द जंग के दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम चैलेंजेस और कामयाबियां क्या थी। 1971 में मशरकी पाकिस्तान के नुकसान ने पाकिस्तान की खारजा इतिहादों और इसके अलावा हुकूमत अमले को पर कैसे असरार डाले। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ अदवार के अंदर। इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।